आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सर्दियों की बहुत ही खास रेसिपी जो आपने इससे पहले कभी नहीं बनाई होगी। सिर्फ तीन ही चीजों से और वो भी बिना मावा बिना चीनी। बहुत ही आसान तरीके से 10 मिनट में आप बहुत बहुत टेस्टी तिल गुड़ गजक बर्फी बना सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे गजक तो बहुत खाई है, तिल गुड़ के लड्डू भी बहुत खाए हैं, लेकिन आपने तिल गुड़ बर्फी गजक कभी नहीं खाई होगी। और इस स्पेशल रेसिपी में आपको गजक का भी टेस्ट आएगा और बर्फी का भी। बनाने में आसान और इतनी सिल्की स्मूथ और इतने जबरदस्त टेक्सचर की होती है कि मुंह में जाते ही घुल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूँ पारुल, कुक विद पारुल स्पेशल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने मेरे इस नए चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे दिए गए रेड बटन को क्लिक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तिल गुड़ गजक बर्फी बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे सफेद तिल और गुड़ यानी जैगरी। अब जो यहाँ पर हमें मेजरमेंट लेना है उसके लिए आप क्या करें, कोई भी कप या कोई भी घर का बोल या कटोरी आप फिक्स कर लें, उस अनुसार आपको दोनों ही चीज बराबर मात्रा में चाहिए। यानी मैंने जैसे ये एक बोल सफेद तिल लिए हैं तो आप उसी बोल से एक बोल आप गुड़ ले लें, जैगरी ले लें और उसको आप थोड़ा सा क्रश कर लें जिससे कि हम जब मेल्ट करें तो आसानी से ये पिघल जाए। तो अगर मैं वजन से बोलूं तो ये 200 ग्राम सफेद तिल है और लगभग 200 से 210 ग्राम के करीब गुड़ होगा। अब सबसे पहले आप गैस पर एक कढ़ाई या पैन चढ़ाएं, फ्लेम को यहाँ बिल्कुल आप लो मीडियम कर दें और जो हमने अभी तिल लिए है ना सफेद, एक पूरे बोल सफेद तिल को सबसे पहले हमें हल्का सा भूनना होगा। लगातार चलाते हुए हम तिल को थोड़ा हल्का सा भून लेंगे, बहुत ज्यादा हम इसको बिल्कुल नहीं भूनेंगे वरना क्या होगा कि तिल जल सकते हैं और वो कड़वेपन पर आ जाएंगे। तो ये बहुत ही जरूरी पॉइंट है, फ्लेम बिल्कुल लो। जैसे ही इसमें से थोड़ी सी क्रैकलिंग साउंड होगी और आपको ये हल्का सा गुलाबी से दिखे तुरंत हम गैस को ऑफ कर देंगे, तिल हमारे थोड़े फूले फूले हो जाएंगे। और ये देखिए तिल में बहुत ही प्यारा हल्का सा गोल्डन कलर आ गया है, बहुत ज्यादा तिल को बिल्कुल नहीं भूनेंगे। तो बस गैस को यहाँ ऑफ कर देंगे, सिर्फ 2 से 3 मिनट में ही तिल भून के तैयार हो जाते हैं। बहुत ही कम समय लगता है इस गजक बर्फी को बनाने में। तो ये देखिए पास से आपको दिखा देती हूँ, बस इतना भर हमें तिल को भूनना है। तो इसे निकाल लेते हैं प्लेट पर और इस तरह प्लेट पर निकाल करके हम तिल को पूरी तरह ठंडा होने देंगे, अभी बिल्कुल भी नहीं पीसेंगे। अगर आपने गलती से भी गर्म तिल को पीस दिया तो ये ऑयल रिलीज हो जाएगा, पेस्ट से बन जाएंगे। तो जब तक हमारे तिल ठंडे हो रहे हैं फटाफट कर लेते हैं एक जरूरी काम। तो आप लीजिए बर्फी बनाने के लिए कोई भी प्लास्टिक की शीट ले लीजिए, बटर पेपर ले लीजिए, फॉइल पेपर ले लीजिए या सिंपल प्लेटफॉर्म पर भी कर सकते हैं। तो ये मैंने एक प्लास्टिक की शीट ले ली। अब इस पर आप डालिए कुछ बूंद ऑयल की और अच्छी तरीके से इसको ग्रीस कर लीजिए जिससे कि आसानी से आपकी बर्फी गजक निकल आए, बिल्कुल भी आपको चिपकी चिपकी परेशानी नहीं होगी। तो हमारी शीट हो गई है तैयार। अब आप लीजिए एक ग्राइंडिंग जार और जब तिल आपके पूरे ठंडे हो जाएं तब आप ग्राइंडिंग जार में डाल करके इस तरह से बस हमें इसको दरदरा सा पीसना है, बिल्कुल भी लगातार मिक्सी को नहीं चलाएंगे, बस एक या दो बारी में मिक्सी को चलाना है जिससे कि ये हल्का सा दरदरा हो जाए। तो जो पल्स होता है ना मिक्सी में इस टाइप, तो आप पल्स पर इसको हल्का दरदरा सा पीस लें। और ये देखिए मैंने दरदरा सा तिल को पीस लिया है बिल्कुल इस प्रकार, ये देखिए बिल्कुल इस तरह से आपको दरदरा पीसना होगा। तो चलिए आ जाते हैं आगे के प्रोसेस पर। तो रखिए फिर से वही वाली कढ़ाई, गैस को करिए ऑन और फ्लेम को बिल्कुल लो। यहाँ पर सबसे पहले हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच घी। घी से जो हमारी बर्फी गजक है बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ बनेगी, बहुत ही स्वाद आएगा। और घी के मेल्ट होने पर हम इसमें डालेंगे जो क्रश्ड गुड़ अभी लिया था ना हमने जैगरी, सारा आप इस पर डाल दीजिए। याद रखिए इस पूरी मिठाई में हमें फ्लेम को लो ही रखना है। तो बस इस तरह से मिक्स करेंगे और यहीं पर हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच पानी, सिर्फ 2 चम्मच पानी डालना है, बिल्कुल इससे ज्यादा पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे, सिर्फ इतना कि हमारा गुड़ बढ़िया से जल्दी से मेल्ट हो जाए और लो फ्लेम पर पूरे गुड़ को अच्छी तरह से पिघलने देंगे। इस तरह लगातार चलाते रहें। इस बर्फी गजक का फायदा ये है जब हम कोई गुड़ के लड्डू या फिर हम कोई चिक्की बनाते हैं तो ये बहुत परेशानी होती है, समझ नहीं आता कि हम कितनी चाशनी बनाएं कि गुड़ हमारा कड़वेपन पर ना आए, प्रॉपर चाशनी बन जाए। लेकिन इस बर्फी को बनाने के लिए आपको इस सब झंझट में नहीं पड़ना पड़ेगा, बस हमें इसको इतना पकाना है कि ये गुड़ मेल्ट हो जाए, हल्के से बबल्स आ जाए। और ये देखिए गुड़ हमारा पूरा पिघल गया है, बस सिर्फ 2 मिनट इसको पकाना है, बहुत ज्यादा देर तक इसको नहीं पकाना है हमें, ना ही हमें कोई इसका कलर चेंज होने है या इसका इंतजार करना है, सिर्फ 2 मिनट पकाएंगे। अब जैसे मैंने घी डाला है तो घी डालना यहाँ बिल्कुल ऑप्शनल है
और आप देख सकते हैं कि बबल्स आने शुरू हो गए हैं। तो इस स्टेज पर मैं इसमें डाल रही हूँ फ्लेवर के लिए 1/4 छोटी चम्मच इलायची पाउडर। ये भी बिल्कुल ऑप्शनल है, आप प्लेन भी बना सकते हैं। इलायची पाउडर को भी इसमें हम मिक्स कर देंगे। अब यहीं पर हम डालेंगे हमारा पिसा हुआ तिल। तो इस तरह से सारा तिल आप डाल दें। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ उसके फ्लेवर को एनहेंस करने के लिए 1 बड़ा चम्मच मिल्क पाउडर। ये डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन सच मानिए फ्रेंड्स, जब आप ये मिल्क पाउडर इसमें डालेंगे तब आपकी गजक बर्फी का स्वाद इतना लाजवाब हो जाएगा कि सब खाते रह जाएंगे। याद रखिए फ्लेम बिल्कुल लो कर दीजिए, एकदम सिंपल। अच्छे से सभी चीजों को मिक्स कीजिए और सिर्फ 2 से 3 मिनट और पकाएंगे इस तरह से। सच मानिए फ्रेंड्स, मिल्क पाउडर डालने से इसमें सॉफ्टनेस आ जाती है, जिससे ये बहुत ही बढ़िया स्वाद देती है बर्फी का भी और गजक का भी। जैसे बहुत से लोग तिल गुड़ के लड्डू वगैरह खा नहीं पाते, चिक्की नहीं खा पाते, क्योंकि काफी क्रिस्प होती है, हार्ड सी भी होती है दांतों की प्रॉब्लम के कारण, तो वो ये आसानी से खा सकते हैं। और हम सभी जानते हैं कि सर्दी में तिल और गुड़ बहुत ही फायदेमंद होते हैं बॉडी के लिए। और मिल्क पाउडर यहाँ मैंने पूरा 1 चम्मच बड़ी वाली भरकर डाला है, तो आप यहाँ पर अगर सिंपल अपने रेगुलर स्पून से डाल रहे हैं तो आप यहाँ पर 2 चम्मच भी डाल सकते हैं। ये सब पॉइंट्स मैं आपको इसलिए बता रही हूँ जिससे आप एकदम अच्छी तरीके से आसानी से ये गजक बर्फी बना पाए। और आपने देखा इसे बनाना कितना आसान है। और ये देखिए हमारी बर्फी गजक का मिक्स हो गया है बिल्कुल तैयार। कैसे, ये देखिए कढ़ाई को छोड़ रहा है, बस इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं पकाएंगे। बहुत ही प्यारा कलर भी आ गया है, गैस को ऑफ कर देंगे। और इस तरह से हम अपने पूरे बर्फी गजक के मिक्स को शीट पर निकाल लेंगे और बिल्कुल गर्म में ही सारे काम करेंगे, क्योंकि भाई गुड़ है ना, तो गुड़ की तो टेंडेंसी होती है जमने लगता है। इस तरह से ग्रीस्ड शीट से ही थोड़ा सा हम इसको प्रेस करते हुए एक बार स्मूथ कर लेंगे। जैसे आप देख रहे हैं ना, देखिए कितनी आसान है और आपको टेक्सचर से ही मुंह में पानी आ रहा होगा। और ये देखिए कितना अच्छा हो गया, सोचिए खाने में ये कितनी टेस्टी होगी। तो बस इस तरह से थोड़ा सा सेट करते हुए अब आप ले लें एक बेलन, थोड़ा सा घी या तेल लगा करके चिकना कर लें और हल्के हाथ से गर्म में ही इसको फैलाएं। और इस तरह से हाथ से मैंने थोड़ा सा इसको स्क्वायर शेप दे दी है, इससे कि हम इसको आसानी से अच्छी शेप में कट कर पाएं। थोड़ा बस इस तरह से इसको सेट कर दें, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखेंगे, एकदम मीडियम मैंने थिकनेस रखी है। थोड़े से मैं इस पर लगा रही हूँ बारीक कटे हुए पिस्ता, जो इसको बहुत ही प्यारी लुकिंग देंगे। तो अब इस तरह से आप आसानी से घर में ही बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट स्मूथ मुँह में घुल जाने जैसी गजक बर्फी बना सकते हैं। और पिस्ता को भी बेलन से थोड़ा सा सेट कर देती हूँ, परफेक्ट। और ये देखिए हमारी गजक बर्फी। तो अभी ये हल्की गर्म है, तो इस पर हल्का सा हम नाइफ से या पिज्जा कटर से, जिस हिसाब से भी आपको कट करने हैं, डायमंड शेप के, स्क्वायर या रेक्टेंगल, इस पर मार्क लगा देते हैं। तो मैं ये पिज्जा कटर से कर देती हूँ। इस तरह से मार्क पहले लगा देंगे तो आपको बर्फी को काटने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी और ये टूटेगी भी नहीं। साइड की जिसको थोड़ा सीधा कर लिया है, और इस तरह से यहाँ से भी हम कट कर लेंगे। और देखिए कितनी जल्दी जम भी गई, और वैसी वाली नहीं जमी है कि हार्ड हो गई हो। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी तिल गुड़ बर्फी गजक है ना लाजवाब, बहुत ही जल्दी जम जाती है। तो बस थोड़ी सी देर, आप 10-15 मिनट इसको इसी तरह से सेट होने दें। ये देखिए मैं आपको जो साइड की एजेस है ना, वही दिखा रही हूँ जो जम गई है, अभी मैंने कट की थी ना, है ना एकदम बढ़िया। तो चलिए हमारी गजक बर्फी बिल्कुल जम गई है, तो मैं आपको ये उठाकर दिखा देती हूँ। ये देखिए, वाओ सुपर्ब लग रही है ना, एकदम मार्केट स्टाइल। इतनी सॉफ्ट और इतनी टेस्टी है कि जब आप खाएंगे तो ये मुंह में घुल जाएगी। आपको ये बिल्कुल इधर से भी दिखा देती हूँ, आप इसकी लेयर्स देखिए, दूर से लग रहा है जैसे कि बेसन की बर्फी हो। ये देखिए है ना एकदम बढ़िया, अंदर से सॉफ्ट, आसानी से बनने वाली और 1 महीने चलने वाली। तो ज़रूर बनाइए, सबको ये बहुत पसंद आने वाली है, स्पेशली आपके घर के बड़ों को, जो आसानी से अब गजक का आनंद उठा सकते हैं। एकदम आप लेयर देख सकते हैं, बिल्कुल खस्ता हमारी गजक तैयार हुई है। और इस तरह से बना करके आप इसे एक एयर टाइट बॉक्स में आसानी से 20 से 25 दिन तक के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो है ना बढ़िया चीज़, गजक भी बर्फी भी। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज 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 लाइक जरूर कीजिए, सभी फैमिली फ्रेंड सोशल साइट्स पर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
कुक विद पारुल। जय हिंद, जय भारत।